Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. Welcome back to yet another vlog. And ये vlog ना मैं as compared to all other vlogs जो मेरी excitement level and happiness level रहती है इस vlog में बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसा सा न्यूज़ ही है मेरे पास. एंड मुझे पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगा इस vlog को. मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को अपलोड करने में. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के डेट में, टुडे इज़ 23rd of January. एंड जब मेरे को मौका मिले, जब मुझे लगता है कि इट्स अ गुड टाइम, आई विल अपलोड दिस व्लॉग. सो गुड न्यूज़ स्ट्रेट अवे दे देता हूँ. गुड न्यूज़ इज़ दैट आई गॉट अ न्यू जॉब एंड वन ऑफ माई ड्रीम जॉब दैट आई वुड हैव ऑलवेज लव्ड टू हैव इज़ व्हाट आई हैव गॉट. मेन पर्पज़ इस वीडियो का ये न्यूज़ बताना नहीं है. आई मीन ठीक है, जॉब सबको मिलता है. द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज टू टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस होल थिंग. वाई आई वॉन्ट टू नरेट दिस स्टोरी इज बिकॉज थ्रू आउट लास्ट ईयर आपने बहुत सारे वीडियोज़ में सुना होगा मेरे को ये बोलते हुए, यू नो आई एम गोइंग थ्रू सम स्टफ, सम थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, देर आर सम अप्स एंड डाउन्स एंड ब्ला 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 ब्ला, ऑल दो स्टफ मैंने बहुत बोला है. So all those things were some way or the other way related to this one thing. How it was, क्या story है, क्या नहीं है, क्यों ये इतना मेरे लिए matter करता है, everything I'll be discussing it in this video. How I got this job, detailed analysis इस video में नहीं होगा. So if you want that, थोड़ा और बाद में आएगा, धीरे धीरे आएगा ज़रूर. बट या इफ़ यू वॉन्ट टू नो द स्टोरी बिहाइंड, सो स्टे ट्यून्ड. उससे पहले मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ, बहुत टाइम हो गया, भयंकर भूख लगी है. सो आज के ब्रेकफास्ट में है सूजी का हलवा, मम्मी ने ऑफिस जाने से पहले बनाया है जल्दी जल्दी में. सो इसको ख़त्म करते हैं, करके तुरंत आते हैं आपके पास विद द स्टोरी. चलो भाई, बहुत टाइम ले लिया मैंने खाते खाते, एक दोस्त का कॉल भी आ गया था, सो आई इज़ बिजी इन दैट. एनी वे, let's get to the point now. So yeah, as I said, I got this new job, but maza us cheez ka nahi hai ki naya job mila hai, maza us cheez ka hai ki maine kisi cheez ke liye aim kara badi hi shiddat se aur wo mil gaya. Now to tell you the story further, I think we should go few steps back. Thoda recap karte hain. मैं अपनी किस्मत के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. कुछ भी अच्छा चीज़ होने जाता है ना, लास्ट मोमेंट में जाके बर्बाद हो जाता है. कुछ लोग बोलते हैं नज़र लग जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ और हो जाता है, जो भी होता है, मतलब ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट लास्ट मोमेंट में जाके बहुत एसेंशियल चीज़ें हो नहीं पाती ड्यू टू सम रीजंस. आई टेल यू, आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. Indian Navy SSV. I went for the Indian Navy SSV during my final year of college. एक एंट्री था, उस एंट्री के थ्रू मैं गया था. I had no clue about एंट्री कैसी होती है, क्या SSV क्या होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, क्या नहीं होता, उसका कोई क्लू नहीं है, कोई क्लू नहीं था मुझे उस टाइम, उस दौरान. मैं SSV से करीब एक दो हफ्ते पहले मैंने एक बुक लिया, ख़रीदा, जस्ट टू नो यू नो कि क्या होता है क्या नहीं, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, वरना बेइज्जती ना हो आ जाके. बैंगलोर में था मेरा SSB. मैं पढ़ा थोड़ा बहुत, जो समझना था समझ गया, गया SSB दिया, आई गॉट रिकमेंडेड. नाउ ऑब्वियसली बहुत इमेंस प्राइड हैप्पीनेस का मोमेंट था, क्योंकि जब मैं SSB में गया यार बहुत कुछ चीज़ें पता चली, मतलब आई वॉज सो हैप्पी दैट आई वॉज एट दैट प्लेस इवन बिफोर आई वॉज सिलेक्टेड और रिकमेंडेड. I was happy. I got to know about Indian defense, Indian Navy, Indian Army, all the stories of, you know, bravery and everything I got to know from people there. I was really proud of myself that I did something good. I was recommended and I was going to Indian Navy. Usme koi merit list bhi nahi tha us time. Means that if you are through, you are through. You will be joining the academy. Maine ghar pe call kiya, I told them that I got recommended. Phone wagera obviously le liya jata hai SSB mein, bahut kam time milta hai baat karne ka. To jab bhi mila maine bola papa ko call karke, mummy ko call karke. Everyone was, you know, excited, happy. Mujhe ye tak bhi nahi pata tha ki bhai SSB ke baad medical hota hai. मेडिकल स्टार्ट हुआ, वी हैड टू एक्सटेंड आवर स्टे बिकॉज मेडिकल वगैरह होना था. मेडिकल स्टार्ट हुआ, ड्यू टू सम रीजंस आई वाज रिजेक्टेड इन मेडिकल क्राउन्स.
एंड वो परमानेंट रिजेक्शन था जिसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. बट आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल मे यू नो मे गो थ्रू दिस. उनको ये चीज़ है, उनको होता होगा, बट वो मतलब बहुत सिली सा लगता है कि यार ये भी कोई मतलब ये कोई चीज़ थोड़ी है यार, कोई मेडिकल यू नो चीज़ नहीं हो सकती. बट ऐसा कुछ इट इज़ रिलेटेड टू आइस बाय द वे. परमानेंट रिजेक्शन था विच मीन्स कि यार मैं डिफेंस फील्ड में तो एटलीस्ट आई कैन नॉट एनविजन माई सेल्फ यू नो एनी फर्दर. सो दैट वॉज फाइन. बहुत बुरा लगा. ऑलमोस्ट अ डिप्रेसिंग फेज था उस टाइम में. मम्मी की भी तबीयत खराब थी बीच में. थिंग्स वर एंड गुड इन अ बट धीरे 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 एट दैट टाइम एक्सेंचर हैपेंड. आई गॉट अ जॉब इन एक्सेंचर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट. अमेजिंग कंपनी. मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे आइडिया नहीं था कितनी बड़ी कंपनी है. जब मैंने ज्वाइन करा तब धीरे धीरे मेरे को पता चला कि ओह माय गॉड दिस इज एक्सेंचर. वी आर टॉकिंग बिग मैन. आई मीन बिगेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी. प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मिलते हैं मिला सब कुछ अच्छा था. टीम मिली मुझे बहुत बढ़िया टीम थी. आई मीन दोस पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव वर्क टिल नाउ. मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल येट वेरी अंडरस्टैंडिंग वेरी केयरिंग. और मुझे जो रोल भी मिला था वन ऑफ द रोल्स दैट फ्रेशर्स यूजली डिजायर टू गेट इन टू. जब भी नया जॉब मिलता है दे फील लाइक यार मेरे को जाना है लाइव कोडिंग करनी है भाई. बट द थिंग वॉज I wasn't really sure कि यार मेरे को इसी चीज़ में डू आई एनविजन माई सेल्फ यू नो गोइंग इन दिस फील्ड एंड कंटिन्यूइंग थ्रू आउट माई होल लाइफ और इज देयर समथिंग एल्स दैट आई वांट टू डू. मैं बहुत इंक्यूसिटिव पर्सन हूँ. इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ. सोचता बहुत हूँ. एंड यू नो वेल थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स आई आस्क माई सेल्फ वट आर द थिंग्स दैट आई रियली लव. फर्स्ट थिंग इज I loved human resource management क्योंकि again ISEC में I was a vice president talent management at Ludhiana. I loved data analysis and visualization. And data analysis maybe you can say I like sports analysis. I love sports. Now what happened? TISC का exam होने वाला था. One friend of mine said, yeah, I mean, I asked him that, are you giving TISC exam? TISC, for the ones who don't know, Tata Institute of Social Science. It is one of the best colleges for human resource management. I asked him, do you think it's a good time for, you know, good thing for me to apply or not? Usne bola ki no, honestly, he doesn't think so. And jaise usne bola, he doesn't think so because GK bahut tough hai and time nahi hai. So, mere andar ka keeda jag gaya and I applied. And bahut, matlab, बहुत ज़बरदस्त जीके वगैरह मैंने पढ़ी एक आध महीने. और समहाउ द अदर वे अगेन आई वॉज एबल टू क्रैक इट. इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली आई वॉजंट एबल टू डू इट. आई मीन आई थिंक मतलब मेरा ओवरऑल इंटरव्यू सही गया था. एक आध जगह एक जगह थोड़ा सा मैं फंसा था. एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई कुडंट क्रैक इट मे बी और वट एवर इट वॉज. अगेन लास्ट मोमेंट में वो नहीं हुआ. टू किट एज अ चैलेंज हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ दैट्स फाइन. आई हैव टाइम इन माई लाइफ टू डू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफ आई विश टू डू. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि यार ठीक है तो दिस जॉब इज़ वेरी गुड बट आई वॉन्ट टू वर्क इन समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू. सो आई वॉन्ट टू स्विच माई फील्ड इन टू डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुलाइजेशन जो भी बोलना है बोलो. मुझे पता था कि भाई जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उसमें काम बहुत है. मुश्किल होगा स्विच मतलब एक्सटेंशन में रहते रहते कोई दूसरी कंपनी में जाना बहुत मुश्किल होगा दूसरी फील्ड में जाना. तो आई डिसाइडेड टू quit my job at Accenture. So what I thought was I'll quit my job and ek boot camp tha placement guaranteed boot camp karke. So wo I will join but my primary aim won't be to get a placement through them. I know how placement guaranteed programs work. I mean come on, I have worked 2 years in this industry so I have good idea about all those things. So that will be my plan B, but my plan A will always to get a job by myself. I knew बहुत tough time होगा क्योंकि ये बहुत well to do job है. सब कुछ बढ़िया है. Settled is a one of the biggest companies में job है. So वो छोड़ के you know वापस से शुरू करना it's like just you know starting from the very scratch. Difficult होगी चीज़ें. And अगर मैं इससे इस moment से और थोड़ा
लेट करूँ ना और मैं एक आध साल रुक जाऊँ एक्सेंचर में, फिर तो और मुश्किल होगा कि मैं किसी और फील्ड में जाऊँ, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स वाले फील्ड में जाके फिर शुरू से शुरू करूँ। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट मैन। सो व्हाट आई डिड, आई टुक द हार्ड डिसीजन, आई फॉलोड माई हार्ट, आई लेफ्ट एक्सेंचर, आई ज्वाइन दिस बूट कैम्प। अच्छा, वन प्लस पॉइंट आई हैड वॉज आई वॉज स्टेइंग एट होम। मेरे घर वालों का मुझे सपोर्ट था, मैंने उनको कन्विंस किया, घर वालों का सपोर्ट था, इसलिए ये डिसीजन थोड़ा सा ईजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इफ आई एम नॉट अर्निंग द वे आई वॉज अर्निंग अर्लियर, एटलीस्ट आई विल हैव अ रूफ ओवर माई हेड, राइट, एंड आई विल हैव सम फूड ऑन माई प्लेट। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, एक के बाद एक जॉब अप्लाई करना शुरू किया, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि भाई तुम कितने पानी में हो भाई साहब। 100-150 अप्लाई करोगे, उनमें से एक आध रिवर्ट आता है, इतना डिमोटिवेटिंग हो जाता है कभी कभार, इतना यू नो यू हैव टू शो योर परसिवियरेंस, यू हैव टू शो योर रेजिलियंस, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज। I feel like जब मैं एक्सेंचर में था, since I got the placement through my campus, I might not have known the value, exact value of a job at that point of time. But ये जो दौरान था ना, जब मैंने खुद से जॉब सर्च किया था, मेरे को वैल्यू पता चली यार जॉब की वैल्यू क्या होती है, why people, you know, work their ass off, you know. And बहुत सारी, मतलब ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लाइफ में, बहुत खुद के बारे में मैंने बहुत जाना, बहुत क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, उनका मेरे को आंसर मिला, बहुत क्लैरिटी मिली लाइफ के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ मजा आया। अच्छा, जब ऐसे फेज होता है ना लाइफ में, तब और बढ़िया चीज़ क्या होता है, लोगों की ना रियलिटी पता चलती है। मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले, आई कुड सेंस कि भाई उनको खुजली थी देखने के लिए, यार ये क्या करता है, बड़ा आया था जॉब छोड़ने, ये क्या करता है अभी, ये ख़त्म हो गया है। आई मीन टू से कि भाई तूने तो करियर सुसाइड कर लिया, तेरा तो ख़त्म है अभी सीन। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, बट आई वॉज लकी दैट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई नॉट ओनली फ्रेंड्स बट मोस्ट ऑफ माई कलीग्स फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी, दे वर वेरी 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 सपोर्टिव। मतलब आई एम lucky, touch wood, I have, I mean, thank God that I have such kind of people in my life, such kind of friends in my life, such kind of people in my family who really believe in me and who are very supportive. So, बहुत से थे यार, बहुत से दोस्त थे, मतलब ऐसे तो नाम लेने जाऊँगा बहुत मिस कर जाऊँगा। If even a single person who is watching this video thinks that you have played a part in my life during that duration, during that period, then yes, you are right, you did play your part, and I'm really thankful for that, really really. I used to tell myself ki bhai apply karo, reject hota tha to main thoda usko na dheere dheere thoda joking way mein lena shuru kar diya tha ki is company ka reject hua, theek hai bhai, they lost me, I didn't lose anything, they lost me. ऐसे काइंड ऑफ एटीट्यूड लाना शुरू किया था, क्योंकि ज़रूरी होता है, बिकॉज नॉट फ्रॉम एवरी रिजेक्शन यू आर गोना लर्न थिंग्स। बोलते हैं ना लोग कि लर्न फ्रॉम योर रिजेक्शन, सारे रिजेक्शन से सीखने का नहीं होता यार। तुमने कहीं अप्लाई करा, बंदे ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, क्या सीखोगे उसमें, कितना तुम चेंज कर लोगे अपने CV में। मे बी कोई एक CV, ये पर्टिकुलर CV कहीं और भेजते तो वो बढ़िया हो जाता, अब तुम इसको यहाँ भेजे हो, दिस डिडंट वर्क आउट प्रॉपरली, तो उसमें तो यू कांट रियली हेल्प, दे लॉस्ट यू, यू डिडंट लूज एनीवन। सो चलता रहा, बीच में एक अपॉर्चुनिटी आया, एक क्रिकेट एनालिसिस की कंपनी, स्पोर्ट्स एनालिसिस की कंपनी थी, इट वॉज लाइक माई ड्रीम जॉब, इट हैड क्रिकेट इन इट, इट हैड डेटा एनालिसिस इन इट, एंड रिमोट वर्क भी था, ट्रैवलिंग भी थी उसमें, बहुत गजब का था यार वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी। आई गेस सेकेंड या थर्ड राउंड में जाके, सेकेंड राउंड आई कुडंट क्वालिफाई, आई कुडंट प्रोसीड, अगेन वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहाँ लास्ट मोमेंट में आके रुक गया मेरा। ऐसे बथेरे एग्जांपल्स है, बहुत है। तो दैट वाज अगेन अ स्मॉल डिप्रेसिंग फेज, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट रियली बी डिप्रेस्ड। जब चीज़ें नहीं चलती है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसे फेजेस में, तो आप क्वेश्चन करने लगते हो यार, अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लगते हो, यू फॉरगेट हु यू रियली आर, अपने एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हो, अपने स्किल्स को क्वेश्चन करते हो, यू फील लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो डैश डैश हो जाती है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग वेदर यू नो आई एम इवन गुड इनफ टू डू एनीथिंग इन लाइफ और नॉट। देयर वर अ लॉट ऑफ डेज एंड नाइट्स व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि
you know, did I really make a mistake by leaving that job? But then immediately I has to snap out of it, and I'll be like, no, I knew what was coming for me, and I was prepared, right? So why to get into that zone at this point of time? Because this time doesn't demand such kind of negativity. And there were nights when I have slept with moist eyes. थी ऐसे ये सब लर्निंग है, इसमें कोई मतलब वो नहीं कर सकती, ये सब लर्निंग होती है. ऐसे करते 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 आई लैंडेड इन टू दिस जॉब ऑफ एक्सपीडिया. अमेजिंग कंपनी, आई नो ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई अप्लाइड. एंड जो भी स्किल मैंने इंकल्केट किया आफ्टर लिविंग एक्सेंचर और इवन द फ्यू स्किल दैट आई वॉज वर्किंग ऑन ड्यूरिंग एक्सेंचर, the projects that I have made after leaving Accenture, this really helped. Main mudda ye nahi hai ki that I have got a job which is again an amazing offer, amazing job, that is cool. What I'm happy about is that finally I was able to set a good and decent goal, and I was able to achieve that finally. And now I feel that all those rejections and all the wait was worth it, because this is something that I really love. This is something that I have really looked for. I feel like main isme bahut bahut contribute kar sakta hu, bahut badhiya ho sakta hai is cheez mein. To bas itni si story thi apni. To thoda lamba ho gaya shayad story, but batana zaruri tha, because my YouTube family was a part of this whole struggle. मतलब स्ट्रगल तो क्या ही बोलूँ, अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल हो गया. ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं था, बाहर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, आई नो, उस कंपैरिजन में तो कुछ नहीं था. मेरा खुद का बैटल था, वो संपूर्ण हो गया. ये क्या है? थैंक यू सो मच. बारबेक्यू नेशन वाले भी याद रखेंगे कि भाई आए थे फैमिली, कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए. हमारे टेबल वाले उठ उठ के सबसे ज्यादा खा रहे थे, बाकी लोग अभी देख रहे थे कि कितना खाते हैं ये लोग. सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप यू लाइक द स्टोरी, जो भी स्टोरी मैंने बताया, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन जिसको लेना था ले लिया, जिसको नहीं लेना था बस मजे लेने थे उसने मजे ले लिया, जो करना था कर लिया. इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल हियर, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आगे बहुत क्रेजी फन ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया अभी तक. चलो बाय, सी यू सून.